हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो गई है, बच्चे घर पर थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी छुट्टी ख़त्म हो गई है, बच्चे घर पर नहीं है तो घर सोना सोना लग रहा है, तो मुझे थोड़ी सी बोरिंग बोरिंग लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं थोड़ी सी घूम कर आ जाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं चली मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर भंडारा सिटी। तो भंडारा सिटी जो बाईपास से छोटा सा एक रास्ता है, वहाँ पर मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जाने के बाद में मुझे बड़ी मज़ा आती है सभी के साथ में बात करने में, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए बोलिए, या अपने टाइम पास पूरे करने के लिए बोलिए, या कुछ भी, बट उन लोगों के साथ में मुझे टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज के ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं, वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। यही वो शौक है फ्रेंड्स, जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तुम दिखाओ तो कितने मछलियाँ पकड़े। सिर्फ दो ही मछली पकड़ा। सिर्फ दो ही? कहाँ पे लटका के रखे? क्या डालते क्या हो खाने के लिए मछलियों को? वो कलेजा भी डालते हैं ना कुछ? हाँ, वो भी डालते। तो ये मछली अभी पकड़ेगी या उसके लिए एक घंटा भी लग सकता है? हाँ। एक डेढ़ घंटा, 10 मिनट भी है ना, कभी भी फंस जाती है। हाँ, तो फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। आटा लगाया है पकड़ने के लिए? एक भी नहीं पकड़े अभी तक चाचा। तो फिर आप क्या करोगे इसका? घर में खाएंगे या बेचेंगे व्यापारी? हाँ, पर ये शौक है पकड़ने का, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। रुको 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 रुको, कौन सी मछली पकड़े आपने? ये मछली से मछली पकड़ रहे हो क्या? नहीं। फिर ये पकड़े क्या आपने? हाँ। कौन सी है? छोटी वाली? छोटी वाली। उसका क्या करोगे? आगे जाकर देखते हैं किसने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। ये देखिए इस तरह का लगा के रखा हुआ है हर जगह पे। चाचा के पास चलते हैं। चाचा, आज नहीं मिली मछली? नहीं मिली। एक भी नहीं? कब आए आप लोग? मिली, मैं मिली आपको? कहाँ है दिखाओ ना, मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिखा दो। मैं कल भी आई थी, वो एक चाचा थे यहाँ पे पकड़ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाती हूँ, छोटी बड़ी मछली मिली। अच्छा, इस तरह से पानी में डालकर रखना पड़ता है बाबा। कौन सी मछली है ये? पड़म है। बड़ी है? छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी पकड़। हाँ, आप कहाँ से है? तो नागपुर से मछली पकड़ने के लिए आए? ओ बाबा, इतना शौक है। गोसे डैम भी आते होंगे ना फिर? गोसे डैम? हाँ जाते ना। वो देखिए जिंदा है। हाँ, तो सारा दिन में से कितना पकड़ लेते हो? जो लगी लग गई, जो नहीं लगती। लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर व्यापारी को दे देते हैं या फिर घर के लिए? घर के लिए रहता, बेचते नहीं। पर शौक है तो आना है या नहीं आना है? बड़ा अच्छा लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो काम हो रहा है। चलो फिर ठीक है चाचा, आते हैं फिर। आप कितने दूर से आए हैं मछली पकड़ने? आओ कभी गोसे डैम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बड़े से लेके बच्चे तक यहाँ पर मछली पकड़ने आ जाते हैं। इनको कितना शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी भंडारा आती हूँ इस रास्ते से ज़्यादातर जाती हूँ, और आते जाते जो फिश पकड़ने वाले होते हैं उनके साथ में बात करना भी मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो मैं इधर से आती हूँ। मिली है मछली? नहीं मिली। उधर चाचा को मिली है बड़ी बड़ी, दो तीन? वो नागपुर से आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 केजी से लेके 10 केजी तक की मछली मिल जाती है। देखिए कतार कतार में लोग बैठे हुए हैं, टाइम पास भी हो जाता है और मछली पकड़ने का इतना बड़ा शौक भी है इन सभी को। सारा दिन फिर धूपने लगेगी आपको तेज, फिर भी ये एक शौक बन गया है पकड़ने का, बस अच्छा लगता है। और नहीं आए तो दिमाग में टेंशन रहता है, नहीं गए, नहीं जाना चाहिए था। मूड फ्रेश नहीं रहता है। छुट्टी वट्टी 8 दिन 15 दिन में? आप भंडारा से हो क्या अंकल? नहीं, कामटी। अरे बाबा, नागपुर कामटी? नागपुर कामटी से लोग, वो भी चाचा बोल रहे, मैं नागपुर से आया हूँ मछली पकड़ने के लिए, इतना शौक। चलो ठीक है चाचा, आप लोग पकड़ो, हम आते हैं। चाचा, आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है? ये इस तरह से डाल कर रखे है, छोटी सी मछली दिख रही है ना वहाँ पर?
आपने कितनी पकड़ी मछलियाँ? कहाँ पर है? उस साइड में पानी में डाल के रखे सारा दिन, फिर यही काम करती हो क्या? सिर्फ छुट्टी के दिन? मैं अक्सर इधर से आती जाती हूँ ना, तो मुझे से कतार में खड़े दिखते हैं। फिर क्या करती है उसका, बेचते हो या घर में? घर में खाने के लिए। पर कितनी तकलीफ होती होंगी ना सारा दिन। पर ये भी एक अच्छा लगता है ना, टाइम पास भी हो जाता है। वो देखिए लगातार कतार में उधर भी है। देखिए छोटा रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है, रिक्स वाला भी काम है। और यहाँ पे जो था वो टूट गया, अभी रेलिंग लगाए नहीं, एक्सीडेंट का तो डर ही रहता है। अभी तो फोर व्हीलर आना बंद ही हो गया, बोलो एक्सीडेंट हुआ तब से। चलिए पकड़िए मछली फिर चाचा, हम आते हैं। कुछ फंसी कि नहीं फंसी? अभी कितने दो डाले क्या? वो क्या है? तिल्ली। हे भगवान, फिर उसमें मछलियाँ आ जाते हैं और यही मछलियाँ फिर हम लोग खाते हैं। मैं छोड़ दूंगी अभी मछलियाँ खाना, मैंने खाऊंगी बाबा। क्या बोले चाचा? देखो ना आप लोग किससे पकड़ते हो? तो आटे से। वो शायद कलेजे से, मैंने कलेजा देखे एक जन को काटती हुई वहाँ पर, है ना? हे भगवान, कैसे कैसे लोग तरीका आजमाते हैं। हाँ, मछली पकड़ने आते हो क्या? आओ चलो फिर, ठीक है चलते हैं, आप लोग मछलियाँ पकड़ो। तो फ्रेंड्स इनकी फ़िशिंग तो शुरू रहेगी, तो मैं थोड़े से भंडारा जाके मुझे सामान लेकर आना है, तो मैं लेकर आ जाती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, इवनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसके बाद में लौटते समय हम फिर से इन चाचाओं के साथ में मिलेंगे और देखेंगे किसने कितना क्या पकड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए एक्चुअली क्या है कि धूप काफ़ी तेज़ है, इसलिए तो मैंने मास्क पहन के रखी है। अगर गाड़ी फोर व्हीलर में जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट थोड़ी सी। एनीवे फ्रेंड्स, आपने देखा ना सभी किस तरह से मछली पकड़ने का इनमें शौक है। चौहान से, नागपुर से, कामठी से, सभी उधर से आ जाते हैं मछली पकड़ने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी नदी है, वैनगंगा नदी है, और ये नदी सीधा गोसे डैम जाती है। मैंने आप सभी को एक बार गोसे डैम की वीडियो दिखाई थी, बस वही गोसे डैम। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं, इनका तो देख लिया है, आते समय अगर टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा तो मछली पकड़ना भी देखेंगे। इवनिंग हो गई है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये लोग नाव से भी पकड़ रहे हैं, तो आगे देखते हैं चाचा लोगों ने क्या पकड़ा है, कितनी मछलियाँ पकड़ी है वो भी देख लेते हैं। वो क्या फेंक रहे हैं? फिर अभी शाम हो गई ना, तो आप लोग क्या करोगे फिर चाचा? घर चले जाओगे नागपुर? हाँ क्या, अच्छा हाँ हाँ, यानी अलग अलग बनाएगी कमेटी है क्या? इधर नागपुर वाले और इधर अपने भंडारा वाले। पकड़े क्या आपने मछली? दिखाओ दिखाओ। अरे अरे नहीं दिखा। चाचा आपने क्या पकड़े? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्यों गिर गई? अरे आपने खींचे नहीं बराबर चाचा, मेरे को दिखाओ चाचा अभी क्या क्या पकड़े आपने। बस ये एक दो ही पकड़े, इतनी मेहनत करके अभी तो आया हो आधा घंटा हो। हाँ दो तीन और बंद मिल जाती तो फिर क्या करते हो घर में? मजा आ जाती है ना पकड़ने का, बड़ा शौक। आप डेली आते हो? फिश फ्राई करके खाते हो? कौन से स्टाइल से खाते हो, साउथ इंडियन स्टाइल से, इंडियन स्टाइल से? बड़ी वाली लगी तो फिर वो हमने क्या, बंगाली स्टाइल भी करते, साउथ इंडिया के स्टाइल से भी बनाते हैं। हम बहुत खाते हैं मछली फ्राई। नहीं नहीं है घर में, मैं जस्ट अभी देखूँ झींगा लेके आए ढेर सारे। फिर आप मन बहुत बड़ा है। हाँ मेरे को बोले ना, तो मैं बोली मेरे घर में सब बना के चार एक बार फ्राई पीस धूप काट के फेंक दिए, मुंडी फेंक दिए, पेट साफ कर लिए, बस उसको थोड़ा एक एक करके कट मारे, उसके अंदर मसाले जाने चाहिए, यहाँ से कट मारे, मटर निकाल लिए, बस मसाले लगा दो तेल में, फ्राई कर लो खा लो। देखो एक बार इन्होंने गल बना के दिए थे। क्या बना के दिए थे? उसके बना के दिए थे।
गोसे आओ कभी चाचा, गोसे गोसे डैम आओ। वो नया पुलिया बना है ना, उसके नीचे कालम है ना। संडे के दिन जा रहे क्या आप? ठीक है, मैं भी आऊंगी, आप जाओ, आपकी फिशिंग दिखाऊंगी मैं इस दिन। चलो फिर हम चलते हैं अभी, चलो चाचा चलते हैं अभी घर, काफी वक्त हो गया है हमारा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी आप सभी को अच्छी लगी ना, अगर अच्छी लगी है तो फटाफट यूट्यूब चैनल पर जाइए और पल्लवी की किचन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो पल्लवी विश्वास पे फॉलो बटन पर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।